मुझे बेजवान जानवरों को रिलीज करने में, जंगल में उनकी जिंदगी वापस बखशते में, ये समझ लो मुझे बड़ी खुशी पैदा होती है। चाहे वो मंदारी के हाथ में हो सांप, चाहे वो सफेरा के, और चाहे किसी जालिम इंसान के, या फिर किसी किसान के घर में, खेत में, कहीं भी हो, मैं उसको रेस्क्यू करता हूँ और रिलीज करता हूँ। हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सेवक स्नैक हेल्पलाइन। और साथियों मुझे क्या, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, आइएगा साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये दो सांपों को दिखाता हूं। नीचे तो साथियों इन सांपों की आराम से पहचान कर सकते हो, ये ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नैक के बेबी हैं, और ये देख सकते हो, और दोनों को ही आज प्राकृतिक परिवेश में रिलीज करना है मुझे। तो इन सांपों को देख सकते हो कैसे थोड़ा पीछे हट गए, हमने लेना है इनको। ये सांप देख सकते हो कितने नायाब कलर के सांप नजर आ रहे हैं, बहुत ही और यूनिक जोड़ा लग रहा है, लेकिन एक ही प्रजाति के सांप हैं साथियों। हम प्राकृतिक परिवेश में रिलीज करेंगे, कैमरामैन थोड़ा ये यहाँ पर इनका सांपों के लिए ये स्थान काली नदी है साथियों, जिसने अपनी अपने गोद में हजारों जीव जंतुओं को पनाह दे रखी है। कैमरामैन एक एक करके शूट कर लो, ये उधर गया, ये इधर जा रहा, जाने दो जाने दो जाने दो, जो जहाँ जाए वो जहाँ जाने दो, ठीक है चला जाएगा। इसका ले लो, इसका ये सांप आएगा, इसका जरा नदी में हो गया क्या, हो गया इसे कर करेगा। तो मैं साथियों अभी आपको एक और सांप दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही हाईली वेनोमस स्नैक, इंडियन कॉमन करैब, इसकी पहचान आप कर लेना आज। और देखो साथियों मैं इसकी जो भी, तो इसकी वीडियो मैंने जैसे ये रेस्क्यू किया था उसी हिसाब से इसे रिलीज करना है, बिना हाथ लगाए इसको मैंने रेस्क्यू किया था और बिना हाथ लगाए इसे रिलीज करूँगा। ये देख सकते हो कॉमन करैब, हाईली वेनोमस स्नैक, ये रात्रिचर सांप होता है साथियों, और बहुत ही ज़्यादा जहरीला कोबरा स्नैक से, जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो उस सांप के साथ, और इस सांप की तुलना करें तो ये कोबरा स्नैक है और ये कॉमन करैत स्नैक, और साथियों ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला सांप है और शर्मीला बहुत होता है। तो क्या नाम है हमारा कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पीछे रह के इसी देखिए, अभी से हम रिलीज करेंगे। बहुत शर्मीला टाइप का ये सांप होता है साथियों, अब ये जितना इसको हम छेड़ेंगे उतना ही ये सीन को ले लीजिएगा। अब ये चलने में आराम से ये भी चला गया, और लास्ट में हम आखिर में आपको एक और सांप दिखाएंगे, उसे जाने दो हट जाओ। साथियों जरूरी नहीं है कि आप बड़े रेस्क्यूअर बनोगे तभी अच्छा काम करोगे, अच्छा काम आप अपनी सेफ्टी करके भी कर सकते हो। जैसे मैं नहीं कह रहा कि मैंने अच्छा काम किया, लेकिन मैंने अपनी हिफाजत की है, और एक जहरीले सांप को बिना हाथ लगाए रिलीज करना और बिना हाथ लगाए रेस्क्यू करना, ये बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। तो एक और साथियों आपको बहुत ही तगड़ा, और आप इसे देखकर तो समझ ही जाएंगे कि क्या सांप है। ये देख सकते हो काफी तगड़ी और यूनिक दामन, घोड़े पछाड़ जिसे बोलते हैं हम, घोड़े पछाड़, बहुत ही सुंदर सांप, बहुत ही किसान का तो मित्र है, मैं बार बार कहता हूँ फिर भी कह रहा हूँ ये किसान का मित्र है साथियों सांप, देख सकते हो। ये किसान का मित्र है साथियों सांप, क्योंकि ये
चूहों को कम करने का गॉड गिफ्ट है और इसे भी हम रिलीज करेंगे अभी। मुझे बेजवान जानवरों को रिलीज करने में, जंगल में उनकी जिंदगी वापस बखस्ते में, ये समझ लो मुझे बड़ी खुशी पैदा होती है। चाहे वो मंदारी के हाथ में हो सांप, चाहे वो सपेरा के, और चाहे किसी जालिम इंसान के, या फिर किसी किसान के घर में, खेत में, कहीं भी हो, मैं उसको रेस्क्यू करता हूँ और रिलीज करता हूँ। चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी बदनामी मिल जाए, और चाहे कि इसके लिए मुझे कितनी भी प्यार इज्जत मिल जाए। और साथियों मैं एक और बात बता दूं, पिछली बार जो मैंने दिखाया था इसकी स्किन खींच नहीं सकते, जो स्किन खींचते थे ना, जो सफेद बाजीगर से सांप लिया था, यहाँ से स्किन खींची, इसकी स्किन नहीं आएगी हाथ में, अगर आ भी गई ना तो ये काट लेगा, और उसने काटा भी नहीं। ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, तो समझ जाइएगा। बेजुबान जानवरों को बचाइए, और मैं इसके साथ ही इसको रिलीज करेंगे, है तो नदी में रिलीज करें, निकल जाएगा गर्मी काफी। और ये है अपनी मर्जी है जिसको, काली नदी जिसने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में हजारों सांपों को जिंदगी दी है। तो देख सकते हो कितनी रफ्तार हो गई, यहीं से ले लो इसकी, देख लो कितनी रफ्तार हो गई, पानी में भी बहुत तेज दौड़ने वाला सांप है। आज की वीडियो में इतना ही, मैं सेवक कुमार बोधिया, नमस्कार, जोहार, आभार, अभिनंदन, नमो बुद्धाय से कहेंगे हम, वंदे मातरम।